नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फायर ऑनलाइन क्लास पर। सबसे बड़ी भर्ती से संबंधित अपडेट लेके आया हूँ जो कि होने वाली है उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल और फायरमैन पदों पर होने वाली है, जो कि पदों की संख्या है 37,000 पद लेके आ रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। पूरी अपडेट जानने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पर जो भी स्टूडेंट नया है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें। शुरू करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि ट्विटर पर जो यूपी इन्फॉर्मेशन के नाम से जो अकाउंट है, जहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से हर गवर्नमेंट जॉब की अपडेट डाली जाती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक अपडेट डाली थी जिसके अंदर है यूपी पुलिस में 37,000 कॉन्स्टेबल और फायरमैन की भर्ती होगी। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है क्वालिफिकेशन 12वीं पास होना जरूरी है जो स्टूडेंट कॉन्स्टेबल भर्ती को देखेगा। ठीक है, और फायरमैन पदों के लिए आपके पास 12वीं पास उसके साथ जरूरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे कि फायरमैन के लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए फायर का। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपको मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। अब इसकी जान लेते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन, क्या फीस रहने वाली है, क्या इसमें क्वालिफिकेशन है और क्या आपकी सैलरी रहने वाली है। यूपी पुलिस भर्ती 2023 की इम्पोर्टेंट डेट्स और अपडेट यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। पूरी कंप्लीट जानकारी वीडियो पर आप एंड तक बने रहें। आपकी 2023 की भर्ती होने वाली है, 2023 में ही इसके एग्जाम कंप्लीट करा दिए जाएंगे और इसके फॉर्म 2023 के अंदर ही फिलअप करा दिए जाएंगे। तो यहाँ पर इसकी जो भर्ती का नाम होने वाला है यूपी पुलिस भर्ती, इसके अंदर और अन्य पद यहाँ पर रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश आपकी लोकेशन होने वाली है, यहाँ पर जो पोस्ट आने वाली है वो होगी सबसे पहले कॉन्स्टेबल के सबसे ज़्यादा पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है, सब इंस्पेक्टर यानी SI की, जेल वार्डन और फायरमैन, ड्राइवर और मिनिस्ट्रियल स्टाफ की यहाँ पर होने वाली है। हम बात करेंगे हमारे फायरमैन से भर्ती रिलेटेड अपडेट के बारे में, तो आगे चल लेते हैं। ऑनलाइन आपका एप्लीकेशन होने वाला है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके। ठीक है, यहाँ पर 2 घंटे का आपका एग्जाम होने वाला है और यहाँ पर जो फीस रहने वाली है, फीस की भी यहाँ पर बता दी है कि 400 रुपये से सब इंस्पेक्टर और पुलिस की 200 रुपये यहाँ पर रहने वाली है। फायरमैन की भी यहाँ पर आपकी कास्ट के हिसाब से 200 रुपये या 400 रुपये रहने वाला है। अगर बात करें अदर स्टेट के स्टूडेंट की तो आपकी 500 रुपये से ज़्यादा फीस जा सकती है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले आपका रिटर्न एग्जाम होने वाला है, फिर आपका फिजिकल होने वाला है। फिजिकल के अंदर होने वाला है वह होगा आपकी रनिंग होने वाली है मेल स्टूडेंट की, 4.8 किलोमीटर 25 मिनट की आपको कंप्लीट करना पड़ेगा और जो फीमेल स्टूडेंट है 2.4 किलोमीटर 14 मिनट के अंदर यहाँ पर कंप्लीट करना होगा। यह होने वाली है पुलिस में। और अगर बात करते हैं फायरमैन में तो फायरमैन में भी रनिंग होने वाली है, सेम रनिंग होने वाली है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात कर लेते हैं जिसमें हाइट आपकी 168 सेंटीमीटर मांगी गई है, SC ST कैंडिडेट की मांगी गई है 160 सेंटीमीटर, 152 सेंटीमीटर मांगी गई है जनरल OBC वाले की, SC ST कैंडिडेट की 147 सेंटीमीटर मांगी गई है जो फीमेल स्टूडेंट रहने वाले हैं। वजन की बात कर लेते हैं तो 50 किलोग्राम मेल स्टूडेंट और 40 किलोग्राम फीमेल स्टूडेंट की यहाँ पर रहने वाली है। चेस्ट की बात कर लेते हैं तो 79 सेंटीमीटर रहने वाली है जनरल OBC और SC ST कैंडिडेट की रहने वाली है 77, और जो भी स्टूडेंट ट्राइब्स एरिया से आते हैं उनको यहाँ पर छूट मिलने वाली है इस भर्ती में। उसके बाद आपका होने वाला है मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के अंदर पूरे आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, आपकी 10वीं 12वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड, पूरी जानकारी वहाँ पर ली जाएगी। और जो मेडिकल टेस्ट रहने वाला है यहाँ पर आपकी पूरी शरीर का मेडिकल टेस्ट होने वाला है, जिसके अंदर जो मेन पॉइंट है आपकी आँखों की यहाँ पर अच्छी तरीके से जाँच की जाएगी। यहाँ पर जो मोस्ट अपडेट है कि आपकी एज क्या रहने वाली है, क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, तो हम फायरमैन से रिलेटेड अपडेट देते हैं। तो फायरमैन की हम बताने वाले हैं जो अपडेट रहने वाली है क्या क्वालिफिकेशन। तो मेल स्टूडेंट की 18 से 22 साल यहाँ पर एज रहने वाली है और जो फीमेल स्टूडेंट आएगी वह 18 से 25 साल की उम्र उसकी रहने वाली है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की, तो 10वीं 12वीं क्वालिफिकेशन जो कि मैंने आपको फर्स्ट में बता दी थी, और जो फायरमैन से संबंधित यानी जो फायरमैन का फॉर्म अप्लाई करेगा, ठीक है, उसको फायरमैन का डिप्लोमा अनिवार्य यहाँ पर कर सकते हैं। 10वीं 12वीं तो आपका रहेगा और फायरमैन का डिप्लोमा यहाँ पर अनिवार्य कर सकते हैं। यहाँ पर हम आगे बात कर लेते हैं कि आपका जो ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है, ठीक है, जो क्वेश्चन आएंगे आपके मल्टीपर्पज क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्ट टाइप, ठीक है, FSA टाइप आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, हिंदी और इंग्लिश आपकी दोनों लैंग्वेज रहने वाली है। आपको 120 मिनट का समय यहाँ पर मिलने वाला है,
ठीक है, यानी आपको 2 घंटे का यहाँ पर समय मिलने वाला है। हम बात कर लेते हैं अब आगे आपकी सैलरी की बात कर लेते हैं इंपोर्टेंट, जो कि फायरमैन की सैलरी रहने वाली है 21,700 से 69,100 रुपये यहाँ पर रहने वाली है, जो आपकी ग्रेड रहेगा, मतलब आपका जो पे ग्रेड रहने वाला है फायरमैन का 1,800 रुपये यहाँ पर रहने वाली है। बात कर लेते हैं कॉन्स्टेबल की, तो 2,000 रुपये यहाँ पर उसकी पे ग्रेड यहाँ पर रहने वाली है, जो स्टूडेंट कॉन्स्टेबल का फॉर्म अप्लाई करेगा। तो साथियों जो भी मोस्ट मोस्ट अपडेट थी यूपी फायरमैन और पुलिस से संबंधित अपडेट, मैंने इस वीडियो के माध्यम से मेरी तरफ से पूरी कोशिश की है कि जानकारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और इस वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट जानकारी मिली होगी। अगर कुछ भी टॉपिक रह जाता है, अगर कुछ कमी रह जाती है, तो कमेंट जरूर करना, जिससे कि हम पूरा सुधार करेंगे और इससे संबंधित उत्तर प्रदेश पुलिस और फायरमैन से संबंधित जो नोटिफिकेशन है जल्द ही जारी होने वाला है, क्योंकि सबसे बड़ी वैकेंसी रहने वाली है। कांस्टेबल में सबसे ज्यादा पद रहने वाले हैं और फायरमैन में भी सबसे ज्यादा यहाँ पर पद रहने वाले हैं। तो साथियों इसी भर्ती के लिए अपनी कमर कस लो और तैयारी करने लग जाओ, जल्द ही इसका नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। जिस दिन इसका नोटिफिकेशन जारी होगा, सबसे पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल फायर ऑनलाइन क्लास, जब भी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो जाता है फायर ऑनलाइन क्लास यूट्यूब चैनल के माध्यम से, सबसे पहले आपको जानकारी दी जाएगी पूरी डिटेल से, और किस प्रकार फॉर्म भरते हैं उसकी भी जानकारी दी जाएगी, सिलेबस के बारे में बताया जाएगा, पूरी डिटेल्स हमारे चैनल के माध्यम से बताई जाएगी। साथियों यह अपडेट अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।